हाय दोस्तों, वेलकम टू नेचुरल भगत रजनी ब्लॉग्स। और आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम करने वाले हैं लियो फिल्म का एक जो ट्रेलर आया है थलापति विजय का, एक अच्छा सा रिव्यू। और आप अगर देख सकते हैं कि लियो काफ़ी ट्रेलर रिलीज हो गया, काफ़ी एंटीपिसेटेड मूवी है इस साल का। और ये काफ़ी लगभग कल ही शाम को 6 बजे रिलीज हुआ था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो कुल अगर आप देखा जाए तो 24 घंटा में इसका बाकी अगर तमिल वर्सन का देखा जाए तो 30 मिलियन व्यू है। और हिंदी अगर आपको रिव्यू देखना है और इसका 7.1 मिलियन व्यूज है। ये थलापति विजय का जो पिछला मूवी है ना बिजल का, 1 मिनट का 1 मिलियन व्यू को रिकॉर्ड तोड़ दिया था। काफ़ी आपका 30 सेकेंड के आसपास ही ये 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर गया था। और ये लोकेश कनकराज फिल्म का डायरेक्शन का एक मूवी है और ये काफ़ी मतलब आर्टिफिशियल मूवी है और हाई बजट का ही मूवी लग रहा है। इसी में आपका देखे जाए संजय दत्त है और साउथ का अर्जुन सरजा है, कन्नड़ा का एक्टर और हमारा थलापति विजय मेन कैरेक्टर में है। अगर आप देखेंगे ट्रेलर पूरा अगर तीन देखेंगे, इसी में काफ़ी जैसे पुराना फिल्म कायती का उस तरह से सस्पेंस फिल्म है, जैसे विक्रम आया था डीजे लोकेश कनगराज का, हाफ टाइम के बाद ही मतलब वो आगे बढ़ेगा। और इसमें पूरा काफ़ी मतलब सस्पेंस भरा हुआ है, काफ़ी शायद एलसीयू लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का डीलिंग हुआ है, एलसीयू का पार्ट भी है और काफ़ी कुछ सब रिलेट होता है, रोलेक्स का भी कुछ रिलेट हुआ है। तो अगर ये अक्टूबर का भी इस महीने रिलीज होगा और काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी हो सकता है इस साल का। थलापति विजय का तो जो भी एक्टिंग लाजवाब है और लोकेश का जो सस्पेंस भरा जो मूवी है वो भी काफ़ी लाजवाब है और इसमें तो काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलेगा। और अगर आप देखा जाए तो एलसीयू का काफ़ी पार्ट वेरी हाई एंटीसिपेटेड मूवी है और तगड़ा होगा इस बार, लग रहा है कि 1000 करोड़ का पार ही कर देगा। फिर अब जेलर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है और पूरा ज़बरदस्त होगा थलापति विजय का फिल्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, इस तरह आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और थैंक यू और लेट्स सी क्या होता है। लियो तो लगभग 1000 करोड़ पार करेगा ही करेगा। ओके टाटा बाय बाय।